नमस्कार। जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जीपीसी झुंझुनू लेकर आया है आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 1 के जो पहले के वीडियोस हैं उसमें आपने फिजिकल वर्ड को समझा, यूनिट निकालना सीखा, डायमेंशन निकालना सीखा और मेज़रमेंट देखा कि कैसे आप स्मॉल डिस्टेंस को या फिर वेरी लार्ज डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं, कैसे उनका मेज़रमेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कैसे आप किसी भी उपकरण या किसी भी एपरेटस का जो लीस्ट काउंट है, अल्पतमांक है, वो कैसे निकालते हैं। किसी भी एक एपरेटस का अल्पतमांक आप निकालना सीख जाएंगे तो आप किसी भी एपरेटस का अल्पतमांक उस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। तो एपरेटस में हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर की और स्क्रू गेज की, जिसके एक्सपेरिमेंट आपकी लैब में है। आपको वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट करना है, स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपको इन दोनों के लिस्ट काउंट का पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर की। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट काउंट क्या है, अल्पतमांक क्या है। तो किसी भी उपकरण के द्वारा मापी गई वो छोटी से छोटी राशि को उस उपकरण का या एपरेटस का अल्पतमांक कहते हैं। जैसे हम बात करें मीटर स्केल की बात करें तो स्केल की जो अल्पतमांक है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, यानी उसका जो छोटा खाना है वो 0.1 सेंटीमीटर को दर्शाता है। जैसे आपने देखा तीन सेंटीमीटर स्केल के ऊपर 3 सेंटीमीटर को देखा, स्केल पे 4 सेंटीमीटर को देखा, तो 3 और 4 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइनें हैं और वो 3 से 4 के बीच में दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर नाप रहे हैं तो 10 लाइन्स आ रही हैं, तो एक लाइन बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बटा 10, इससे क्या आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। यानी जो वो छोटी एक छोटा खाना है वो बराबर है 0.1 सेंटीमीटर के। इस प्रकार 0.1 सेंटीमीटर ऐसे करते करते जब 10 खाने मिलते हैं तो वो मिला के बनाते हैं 1 सेंटीमीटर को। तो आपका जो स्केल है उसका अल्पतमांक होता है 0.1 सेंटीमीटर। यानी किसी भी एपरेटस के द्वारा नापी गई छोटी सी राशि को उस उपकरण का अल्पतमांक कहते हैं। इससे छोटी दूरी के मापन के लिए भी मीटर स्केल का जहाँ यूज़ नहीं होता, मीटर स्केल तो इतनी ही डिस्टेंस को नाप सकता है 0.1 सेंटीमीटर। अगर आपको इससे छोटी डिस्टेंस को मापना हो तो हम क्या करेंगे, तो 0.1 सेंटीमीटर से छोटी दूरी के मापन के लिए फ्रांस के वैज्ञानिक पीरे वर्नियर ने मुख्य पैमाने के साथ सरकने वाले एक सहायक पैमाने का विकास किया। इसे ही वर्नियर पैमाना कहते हैं और इसे ही वर्नियर कैलिपर कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। वर्नियर पैमाने के जो n भागों का मान प्रमुख पैमाने के n-1 भागों के मान के बराबर होता है, अर्थात वर्नियर पैमाने का एक भाग प्रमुख पैमाने के एक भाग से छोटा होता है। और इनके मान में जो अंतर है, इनके मान में अंतर को ही आप कह देंगे लिस्ट काउंट, इनके मान के अंतर को ही आप कह दोगे अल्पतमांक। वर्नियर पैमाने का जो उपयोग है वो 2 जबड़ों वाले कैलिपर के साथ करने से वर्नियर कैलिपर बन जाएगा। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना आता है, 0.01 सेंटीमीटर आता है। वर्नियर पैमाने के 10 भागों का मान कितना होता है, 9 मिलीमीटर होता है। अल्पतमांक क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, बराबर कितना हो जाएगा, 0.1 मिलीमीटर। इसको हम क्या कह सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक है वो क्या आएगा, प्रमुख पैमाने के एक भाग का मान यानी s बटा वर्नियर पैमाने के कुल भागों की संख्या यानी बटा n। ठीक है, तो इस प्रकार आपने वर्नियर कैलिपर, जो कि
0.1 सेंटीमीटर से छोटी डिस्टेंस को मापता है वो उपकरण है। 0.1 सेंटीमीटर से जो छोटी डिस्टेंस है वो आप मीटर स्केल से नहीं नाप सकते। मीटर स्केल से कौन सी मिनिमम डिस्टेंस को नाप सकते हैं? सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर की। इससे छोटी डिस्टेंस को मापने के लिए आप यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर का, और वर्नियर कैलिपर में कहाँ तक नाप सकते हैं? 0.01 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस को नाप सकते हैं। ये इसका अल्पतमांक है या ये इसका लीस्ट काउंट है। अब हम बात करते हैं स्क्रू गेज की, या फिर कहते हैं इसे पेच मापी। पेच मापी के सिद्धांत है वो पेच के सिद्धांत पे काम करता है। पेच में चूड़ियाँ कटी होती हैं, पेच के किन्हीं दो चूड़ियों के मध्य की दूरी समान होती है। पेच को इसके ढिबरी नट में वामावर्त अथवा दक्षिणावर्त हम घुमाकर आगे या पीछे कर सकते हैं। पेच का एक पूरा चक्कर घुमाने पर ये दो क्रमागत चूड़ियों के मध्य दूरी के बराबर विस्थापित होता है। इस दूरी को पेच का चूड़ी अंतराल कहते हैं। पेच के द्वारा मापी गई न्यूनतम लंबाई वो ही क्या है? पेच मापी की अल्पतमांक है। पेच मापी के द्वारा मापी गई जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम लंबाई है, वो ही पेच मापी या कहीं स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज में ये प्रधान पैमाना है और प्रधान पैमाने के ऊपर वर्ताकार पैमाना है। तो पेच मापी का जो अल्पतमांक है वो होगा चूड़ी का अंतराल बटा वर्ताकार पैमाने पर विभागों की संख्या के। सामान्यतः पेच मापी के लिए जो चूड़ी अंतराल है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है तथा वर्ताकार पैमाने पे 100 भाग होते हैं। तो पेच मापी का अल्पतमांक क्या हो जाएगा? चूड़ी अंतराल यानी 0.1 सेंटीमीटर बटा वर्ताकार पैमाने पे कितने भाग हैं? 100 हैं। तो 0.1 बटा 100 से आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट अल्पतमांक को देखा। 0.1 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस तो आप मीटर स्केल से नाप सकते हो, परंतु इससे छोटी डिस्टेंस को नापना है तो उसके लिए आप या तो यूज करोगे वर्नियर कैलिपर या यूज करोगे स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर आपका इस प्रकार है, जिसमें भी दो पैमाने हैं, मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना, या फिर मुख्य पैमाना या कहें प्रमुख पैमाना बटे वर्नियर पैमाना। तो वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक है वो कैसे आता है कि जो आपका प्रमुख पैमाना है, प्रमुख पैमाना यानी ये वाला पैमाना, प्रमुख पैमाने की जो एक भाग की वैल्यू है बटा इस वर्नियर पैमाने के एक भाग की वैल्यू के, यानी इस प्रमुख पैमाने का जो एक डब्बा है वो क्या रीडिंग दे रहा है बटा वर्नियर कैलिपर का जो एक डब्बा है वो क्या रीडिंग दे रहा है। दोनों का जो रेशियो है, दोनों को भाग देने पे जो राशि प्राप्त होती है वो ही इसका अल्पतमांक या लिस्ट काउंट है, जिसकी वैल्यू आती है 0.01 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप यूज कर सकते हो स्क्रू गेज को। स्क्रू गेज में भी दो पैमाने हैं, प्रधान पैमाना ये वाला है और वर्ताकार पैमाना ये वाला है। वर्ताकार पैमाने में 100 भाग हैं, तो जो आपका स्क्रू गेज है उसका लिस्ट काउंट क्या होगा? चूड़ी का अंतराल। चूड़ी का अंतराल क्या है? वो फिक्स है, इसमें सभी चूड़ियों का अंतराल 0.1 सेंटीमीटर है। 0.1 सेंटीमीटर और यानी इसकी रीडिंग ले लिया आपने 0.1 सेंटीमीटर। अब आपको देखना है कि इस 0.1 सेंटीमीटर को कितने भागों में बांट रहा है। इसका जो वर्ताकार पैमाना है वो 100 भागों में बांट रहा है, तो 0.1 में भाग दे दोगे 100 का, इससे आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट या स्क्रू गेज से मिनिमम कितनी डिस्टेंस को नाप सकते हैं? 0.001 सेंटीमीटर को। तो इस प्रकार आप किसी भी एपरेटस का लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने से पहले आपको देखना होगा कि जो एपरेटस है वो कौन सी कितनी मिनिमम रीडिंग को दे सकता है, यानी उसका छोटे से छोटा भाग किस रीडिंग को प्रदर्शित कर रहा है। जिससे स्केल का जो छोटे से छोटा भाग है वो प्रदर्शित करता है 0.1 सेंटीमीटर को। वर्नियर कैलिपर का होता है 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो किसी भी एपरेटस का जो छोटे से छोटा भाग है वो क्या रीडिंग दे रहा है, क्या वैल्यू दे रहा है, वही उसका अल्पतमांक है, वही उसकी लिस्ट काउंट है। तो इस प्रकार आपने किसी भी एपरेटस की लिस्ट काउंट को निकालना सीखा।
उसके छोटे से छोटा भाग क्या रीडिंग दे रहा है वो उसका लिस्ट काउंट है। तो इस प्रकार आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में, चाहे वो अमीटर हो, वोल्टमीटर हो, उनकी अल्पतमाओं को निकाल सकते हैं। अमीटर कितनी रीडिंग दे रहा है, भाई 10 एम्पियर की रीडिंग वो मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि 10 एम्पियर की रीडिंग तो वो पूरा दे रहा है, पर उसका जो छोटा भाग है वो कितनी रीडिंग दे रहा है, 0.1 एम्पियर की दे रहा है, 1 एम्पियर की दे रहा है। तो इस प्रकार उस पूरे एम्पियर में जो जितने भाग हैं उनमें जो सबसे छोटा भाग है वो क्या वैल्यू दे रहा है, वो उसका लिस्ट काउंट है। तो इस प्रकार आप अमीटर, वोल्टमीटर, इन सब, चाहे स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, इन सब की लिस्ट काउंट या अल्पतमांक को निकाल सकते हैं। तो आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले उस एक्सपेरिमेंट में जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, चाहे अमीटर यूज़ हो रहा हो, चाहे वोल्टमीटर यूज़ हो रहा हो, चाहे वर्नियर कैलिपर यूज़ हो रहा हो, चाहे स्क्रू गेज यूज़ हो रहा हो, तो जो भी चीज़ें आपकी यूज़ हो रही हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो सबसे पहले आपको उस एक्सपेरिमेंट में काम में आने वाली चीज़ों, वस्तुओं का लिस्ट काउंट निकालना है, क्योंकि आगे चल के वो लिस्ट काउंट आपका काम में आने वाला है रीडिंग में। तो सबसे पहले कोई भी एपरेटस देखा, उसका लिस्ट काउंट देखो कि उसका छोटे से छोटा भाग क्या वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के